फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इग्नू गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आपका FST का है, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम का। जैसा कि पता है कि पिछली बार से जो इग्नू ने है FST का जो वीडियो है वो MCQ वेस्ट कर दिया, यानी बहुविकल्पी प्रश्न में कर दिया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं, ये महावीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है, तो इसमें देख लेते हैं, ले लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए में हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, प्राकृतिक ये पारितंत्र पूछ रहा है। देखिए जो मरुस्थल है वो प्राकृतिक तो है, लेकिन जब पारितंत्र की बात आ जाए, इस चीज की बात आ जाए, तो यहाँ पे प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब ही होता है कि ये वह प्राकृतिक इकाई है जिसमें, यानी कि एक विशेष क्षेत्र होता है। जैसे यहाँ पे मरुस्थल, तालाब, वन विशेष क्षेत्र हो गए, और यहाँ पे जितने भी जीवधारी रह रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे, जानवर जो है, और जो अणुजीव हैं, वो सभी शामिल होते हैं और एक दूसरे के साथ ही क्रिया करते हैं। तो देखिए ताल में सभी चीज़ें पाई जाती हैं, पेड़ भी पाए जाते हैं, अणुजीव और जो पौधे होते हैं या जो जीव जंतु होते हैं वो पाए जाते हैं, वन में भी पाए जाते हैं, लेकिन मरुस्थल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि मरुस्थल में जीवन ही नहीं पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है तो वो हो जाएगा मरुस्थल, लेकिन ताल और वन जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। क्वेश्चन को समझिएगा, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानवीय पर्यावरण का मतलब क्या होता है, इसका मैंने एक वीडियो आपको लेक्चर वीडियो बना के दिया है पर्यावरण का, तो उसे आप देख लीजिएगा, जैविक अजैविक और मतलब पर्यावरण कितने तरह के होते हैं। तो मानवीय पर्यावरण का मतलब होता है मानव ने जिस पर्यावरण को बनाया हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो घटक नहीं है, स्थल, धर्म, समुदाय और आर्थिक। तो देखिए स्थल जो होता है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं होता, धर्म जो होता है मानव के द्वारा बनाया हुआ होता है, समुदाय भी मानव के द्वारा बनाया हुआ होता है, और आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं यानी इकोनॉमिकल जो क्षेत्र होते हैं वो भी मानव के द्वारा बनाए हुए होते हैं, लेकिन स्थल जो होता है वो ऑलरेडी बना बनाया होता है, तो वो मानव के द्वारा बनाया नहीं होता है। तो ऐसे क्षेत्र जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, बनाए जाते हैं, वो मानवीय पर्यावरण कहलाते हैं, ठीक है। तो स्थल जो है क्या है, मानव के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, इसलिए मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें से, इनमें से क्या पर्यावरण के लिए खतरा है। पर्यावरण के लिए खतरा कौन सी चीज हो सकती है, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो सीधी सी बात है, जब पर्यावरण क्या, सभी के लिए एक ऐसी चीज है जो खतरे की चीज है, वो है जनसंख्या वृद्धि। चाहे पर्यावरण हो, चाहे देश हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसके लिए जनसंख्या वृद्धि वेरी हार्मफुल। तो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल क्या हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन, ओके। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है, उसको क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल, जीव मंडल, ओजोन मंडल, ये सभी मंडल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी परत है, कौन सी परत है जो मनुष्य के जीवन करना मदद में सक्षम है, जीव मनुष्य के जीवन के लिए सक्षम है, तो हो जाएगा स्थल मंडल, क्योंकि मनुष्य का जीवन यानी जीवन ही इसमें पाया जाता है स्थल मंडल में। तो मनुष्य जीव की मदद करने में सक्षम है ऊपरी परत, वो क्या है, स्थल मंडल है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से सेल कितनी प्रकार की होती हैं, सेल जो है वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखिए सेल जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, 2, 4, 6 या 3, तो 3 प्रकार की। अच्छा वो 3 प्रकार की सेल कौन कौन सी होती हैं, तो अग्नेय, कायांत्रिक और औषधि, 3 प्रकार की सेल होती हैं, थोड़ा याद रखिएगा, ओके। महाद्वीपी सहित खनिज मुख्य रूप से किसका बना होता है, यानी जो महाद्वीपी खनिज होता है वो मुख्य रूप से किसका बना होता है। तो महाद्वीपी सहित खनिज मुख्य रूप से किसका बना होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाद्वीपी जो खनिज होता है वो सिल्का एवं एलुमिना का बना होता है, जो महाद्वीप में खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। लाल किला कौन सी सेल से बना हुआ है, तो लाल किला देखिए लाल बलुआ पत्थर से बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए इसका नाम लाल किला है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, देखिए तो क्रोड है, ठीक है। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, कौन कौन सी परतें होती हैं, एक परपटी, एक मेटल और एक क्रोड होती है। तो परपटी ऊपर की होती है, मेटल बीच की होती है, क्रोड जो होती है सबसे भीतरी होती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है द्रवित मैग्मा से बने शैल हैं, द्रवित मैग्मा से जो शैल बने होते हैं,
जो मैग्मा होता है ज्वालामुखी से निकलता है तो वो अग्नेय शैल के रूप में ठंडा होकर अग्नेय शैल बन जाता है। तो दमित मैग्मा जो शैल बनती है अग्नेय कहलाती है। विश्व की सबसे गहरी खान कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका में सबसे गहरी खान है। ओके, सोना पेट्रोलियम एवं कोयला किसका उदाहरण है? तो सोना पेट्रोलियम एवं कोयला जो है वो खनिज के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? खनिज के उदाहरण है सोना पेट्रोलियम एवं कोयला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। कौन सी शैल में जीवाश्म होते हैं? तो देखिए अवसादी शैल में। किस शैल में? अवसादी शैल में जो होते हैं वो जीवाश्म पाए जाते हैं। ओके, चलिए पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? देखिए तो जो परपटी होती है वो पृथ्वी की सबसे पतली परत कहलाती है। पिरमिडल फिर कोड होता है। ठीक है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। देखिए सैल, क्योंकि किनारा, स्टैक और समुद्री, ये सभी चीज समुद्री तरंग के अंतर्गत आती है, लेकिन जो सैल होता है यानी पत्थर होता है तो समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। हिमनदी की निक्षेपण विशेषता है। हालांकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपका इससे आ गया है। हिमनदी की निक्षेपण विशेषता है तो हिमोद है। ठीक है ना, हालांकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन इसमें आ गया है, लेकिन इन्वायरमेंट से संबंधित ही है। इनमें भी कुछ जो क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी से संबंधित हो गए हैं, जैसे कि छत्रक शैले कहाँ पाई जाती हैं, रेगिस्तान में, चाप झील कहाँ पाई जाती है, नदी घाटी में, क्योंकि इन्वायरमेंट से संबंधित ही है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इनमें से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो ओजोन जो गैस होती है हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। जो ओजोन लेयर है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यदि ओजोन लेयर ना हो या जो तो उससे जो है परावैगनी जो किरणें होती हैं उनको रोकती है, और ये हमारे बॉडी के लिए वेरी हार्मफुल होती है, स्किन के लिए होती हैं। तो सूर्य की जो हानिकारक किरणों से बचाती है तो वो ओजोन जो लेयर, ओजोन परत है, वो हमें बचाती है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वायुमंडल में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो वहां पे जब ऊपर जाते हैं तो वायुदाब में घटता है ऊपर। ठीक है ना, जो वायुदाब होता है वो क्या होता है? घटता है। और जब बृष्टि तरल के रूप में धरती पर आए तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट से कुछ भी पूछा जा सकता है। हालांकि इन्वायरमेंट में आपके लेसन में बहुत कुछ दिया हुआ है, पेड़ों संबंधित, मरुस्थल से संबंधित, और स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल भी है, इसलिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन के आने की बनती है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं? देखिए पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे जो है वो आयन मंडल से परावर्तित होकर कहाँ आ जाती हैं? वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। पृथ्वी सूर्य की कुल ऊर्जा का लगभग कौन सा भाग प्राप्त करती है? तो 2/2 जो भाग होती है पृथ्वी कुल सूर्य की कुल ऊर्जा का भाग प्राप्त करती, कौन सा? 2/2 भाग। कौन सी सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है? समुद्र की सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। स्थानीय पवने क्या कहलाती है? जो पवने किसी छोटे क्षेत्र में निश्चित समय पर बहती है स्थानीय पवने कहलाती है। हालांकि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अभी से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है ना, और पृथ्वी धरती पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है तो ध्रुवों पर पाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई? 23.5 डिग्री। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। चलिए अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ वो भी PDF है तो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से देखिए एक्चुअली क्या है कि इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे इसमें मैं कह दूँ कि वायुमंडल वाला जो क्वेश्चन है 19 नंबर का, वो क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ ही साथ में यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 ये सभी क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, और देखिए क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन रहेगा और नीचे यहाँ पे ऑप्शन 4 रहेंगे, और फिर आप में को जो भी ऑप्शन सही लगेगा तो वो आपको OMR शीट पे टिक करना होगा उसी नंबर को। ठीक है, तो और मैंने एक वीडियो भी लिंक दिया था, ग्रुप में दिया था, और साथ में करियर गाइड उसमें इग्नू गाइडेंस उसमें शेयर भी किया था कमिटी में कि OMR शीट किस तरह से भरी जाता, आप वो देख लीजिए यदि आपको कोई कंफ्यूजन है कि OMR शीट कैसे भरे, क्योंकि आपके जो पेपर होंगे OMR शीट पे होंगे, उसके आंसर आपको वहाँ पर फिल करने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? सबसे कम प्रदूषण किस क्रियाकलाप से होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी में कूड़ा फेंकना, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना,
कूड़े को जलाना या खाली भूखंड में कूड़ा फेंक देना किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? तो देखिए बी ऑप्शन, यानी कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना। यदि आप कूड़ा जो है किसी गड्ढे गड्ढे को खोद लीजिए और गड्ढे में कूड़े को डालिए, तो वो भी कुछ टाइम बाद चल के क्या होता है, खाद बन जाता है। तो इससे जो होता है प्रदूषण सबसे कम होता है। लेकिन नदी में यदि आप कूड़ा फेंक रहे हैं, कूड़े को जला रहे हैं, खाली भूखंड में कूड़ा फेंक दे रहे हैं, तो इससे प्रदूषण बल्कि और ज्यादा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा स्रोत पुनर्विकृत किए जा सकते हैं? पुनर्विकृत का मतलब फिर से बनाए जा सकते हैं। तो देखिए वायु पुनर्विकृत किए जा सकते हैं ऊर्जा स्रोत, ठीक है ना। तो कोयला एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलता है, पेट्रोलियम परमाणु एक बार यूज हो जाने के बाद दोबारा नहीं आ सकते, लेकिन वायु जो है वो तो आती जाती रहती है। तो हवा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे पानी प्रदूषित होता है? पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित किससे होता है? नदी के किनारे पेड़ लगाने पे, नदी के किनारों के साथ तटबंध बनाने पे, नदी के किनारों के पास कारखाने बनाने से, या नदी पर बांध बनाने से? देखिए सी, या नदी के किनारों के पास कारखाने बनाने से। जब नदी के किनारे कारखाने बन जाएंगे, और जनरली ये होता भी है ताकि जो कारखाने हैं उनको पानी मिल जाए, इसलिए नदी के किनारे बनाए जाते हैं। और उससे क्या होता है कि जो कारखानों का रसायन होता है वो नदी में जाता है, और इससे पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है। तो नदी के किनारों के पास कारखाने बनाने से पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित यानी गंदा होता है। पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज की आवश्यकता होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी और सौर ऊर्जा दो चीजें तो मिल ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा किसी एक और चीज की जरूरत पड़ती है, वो चीज कौन सी है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस होती है जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है पानी और सौर ऊर्जा के अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत से सबसे कम प्रदूषण होता है? सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। अब इनमें से किस में से सबसे कम प्रदूषण होता है? सीधी सी बात है, सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से सबसे कम प्रदूषण होता है क्योंकि सूर्य की ऊर्जा होती है, लाइट से हमें मिलती है। लेकिन ताप ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा ये हमें बनाने पड़ते हैं, जिनमें प्रदूषण जो है हमें ज्यादा मिलता है, होता है इससे। ओके, और क्वेश्चन ले लेते हैं। कोयला जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस पैदा होती है? कोयला जलाने पर कौन सी गैस पैदा होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। देखिए नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज्यादा गैस पैदा होती है कोयला जलाने पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय गौंडों का निवास है, इन जंतुओं के यहाँ सुरक्षा की जाती है क्यों? सबसे पहली बात कि भारत में सबसे ज्यादा गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो गेंडे सबसे ज्यादा है भारत के असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, कहाँ है? तो असम में है। दो तीन क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन गेंडे का शिकार क्यों किया जाता है? क्योंकि विशेष रूप से इनके सींगों के लिए इनका शिकार किया जाता है। किस लिए? क्योंकि इनकी सींगें जो होती है मैगी होती हैं, इसलिए इनके सींगों के लिए इनका शिकार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? ऐसा कौन सा क्रियाकलाप एक्टिविटी है जो एनवायरमेंट को हानि पहुंचाता है, हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए? ऊंचे स्वर में संगीत, अधिक वृक्ष लगाना, तालाब में कुछ मछलियां डालना, जंगलों की कटाई। बहुत आसान है, जंगलों की कटाई। जंगल की कटाई करेंगे तो सीधी सी बात है पर्यावरण को हानि पहुंचेगी जब हम पेड़ को काटेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे पर्यावरण का शब्द अंग्रेजी एनवायरमेंट मूलतः किस भाषा का शब्द है? यानी जो पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द है एनवायरमेंट, वो किस भाषा का है, किस भाषा से लिया गया है? तो वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी यूनिट 1, 2 एंड 3 से लिया है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1, 2 एंड 3 यूनिट से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तरह से मल्टीपल चॉइस के बहुविकल्पी प्रश्न आपके बनते हैं, पहले ये समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है, और जो इसमें क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में डैश में जनसंख्या का अनुपात प्रति मनुष्य 25 वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं था। तो यहाँ पे आपको युग का नाम बताना है कि भारतीय महाद्वीप में किस युग में,
तो क्वेश्चन आपसे जो बनेगा वो इस तरह पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस युग में जनसंख्या का अनुपात प्रति मनुष्य 25 वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं था। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। नीचे जो फोर ऑप्शन रहेंगे उसमें रहेगा पाषाण युग, मध्य युग, उत्तर युग, कांस्य युग, लौह युग, जो भी युग होते हैं, चार युग आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे देखिए मैंने आंसर भी दे रखा, पाषाण युग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप में, या तो डैश करके भी पूछ सकता है या फिर सीधे पूछ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जनसंख्या का अनुपात प्रति मनुष्य 25 वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं था, तो वो आपको युग कौन सा युग है। भारतीय उपमहाद्वीप में किस युग में जनसंख्या का अनुपात प्रति मनुष्य 25 वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं था। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है कि भारत में दक्षिण पूर्वी तट के रेत के टीलों में पत्थर के सूक्ष्म औजार मिले। ठीक है, अब ये जो औजार थे कितने ईसा पूर्व पहले के माने जाते हैं। ओके, या तो ये फिर इन द ब्लैंक्स भी दे देगा या फिर नहीं देके पूछ लेगा कि जो ये औजार मिले वो कितने वर्ष ईसा पूर्व के थे, ये आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3000 वर्ष ईसा पूर्व। यहाँ पे ऑप्शन में आपके चार ऑप्शन रख देगा, 1000 कर देगा, 1000, ठीक है ना, 1000, 2000, 4000, 6000, 3000, तो उसमें से आपको जो राइट आंसर होगा वो सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग डैश पूर्व से लेकर लगभग डैश पूर्व तक नील, ग्रीटिस और यूफ्रेटस, सिंधु और भांगो नदियों की विशाल घाटियों में क्रमशः मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, इन चार महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। यहाँ पे आपको देखिए सन बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं क्योंकि ईयर वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जो है वो पढ़ रहे हैं इसमें लौह युग, पाषाण युग, मध्य युग, तो यहाँ पे कांस्य युग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है आपके यूनिट 1, 2 एंड 3 से लिए गए हैं, तो इन तीनों में आप यही चीजें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में चार रहेंगे, जैसे कि दे देगा 1000 से 4000 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन देगा 7000 से 8000 ईसा वर्ष पूर्व, तीसरा ऑप्शन दे देगा 4000 वर्ष से 1500 ईसा पूर्व, इस तरह से ऑप्शन रहेंगे वहां पे, तो आपको वहां पे राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4000 वर्ष पहला, यानी लगभग 4000 पूर्व से लेकर के यहाँ पे 1500 ईसा पूर्व तक जो है नील, ब्रिटिश और यूफ्रेटस, सिंधु और भांगियो नदियों की विशाल घाटियों में क्रमशः मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, इन चार महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि नील, ग्रीटिस और यूफ्रेटस, सिंध और वांग्यो नदियों की विशाल घाटियों में किन चार महान सभ्यताओं ने जन्म लिया, एक ये भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो उन महान चार जो सभ्यताएं हैं वो आपकी हो जाएंगी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आपका बन जाता है थर्ड नंबर का, क्योंकि इससे दो या तीन तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का काल डैश से डैश ईसा पूर्व माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपका है, उसमें ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना होगा 2700 वर्ष से 1750 वर्ष पूर्व जो है भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपका बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग ईसा पूर्व के ग्रंथ जो शुल्ब सूत्र में ज्यामिति, प्रमेय और उन्हें सिद्ध करने की विधियों का विस्तृत विवरण मिलता है। यानी अब यहाँ पे भी आपको मैंने कहा था कि युग ही ऐसा है जिसमें सन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। ओके, तो 600 से 300 वर्ष ईसा पूर्व के जो ग्रंथ हैं जिनमें शुल्ब सूत्र में ज्यामिति प्रमेय का जो विस्तृत वर्णन मिलता है, इसका एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स बन जाता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन इसी से बनेगा वो ये बन सकता है कि ज्यामिति जो प्रमेय है उसकी विधियों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो है शुल्ब सूत्र। ये आपको शुल्ब सूत्र जो है वो याद करके माइंड में रखना है। शुल्ब सूत्र, सूत्र जो होता है वो जनरली मैथ में होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ज्यामिति प्रमेय जो है शुल्ब सूत्र ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी संबंधित देखिए हमारा अगला क्वेश्चन भी आ गया कि शुल्ब सूत्र में डैश वर्गमूल इतने इतने दिया गया है, ठीक है ना, तो किसमें, दो का, जो ये जो वर्गमूल है वो किसका दिया गया है,
तो ये दो का दिया गया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर दो का हो जाएगा। ये भी किस में है, शुल्ब सूत्र, क्योंकि मैथ ज्यामिति के लिए है। चलिए जल्दी से और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट ये वीडियो है आपका एमसीक्यू का, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस चीज को समझ लेंगे, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से इसको आप कर लेंगे। जैसा कि अगला क्वेश्चन अब इसमें देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि गंगा के कछार में उस काल यानी 1000 से 600 वर्ष ईसा पूर्व के मिले मिट्टी के जो बर्तन थे उनको डैस कहा जाता है, पर वे उतने विकसित नहीं थे जितने कि हड़प्पा काल के बर्तन थे। तो अब आपको बताना है उन बर्तनों को बताना क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गंगा के कछार में जो 1000 से 600 वर्ष ईसा पूर्व मिट्टी के बर्तन मिले थे उनको क्या कहा जाता है। ओके, चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तो उसमें आपसे ये पूछ सकता है कि जो रंगे हुए स्लेटी बर्तन हैं या फिर रंगे हुए कांच के बर्तन या लौह के बर्तन बर्तन इस तरह के आपसे जो 4 ऑप्शन रहेंगे उनमें क्वेश्चन पूछ सक दे सकता है आंसर। आप इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा रंगे हुए स्लेटी बर्तन, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके आंसर जो है नीचे दिए हुए हैं, तो आप उन्हें वॉच कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि यजुर्वेद में डैस बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। तो यजुर्वेद में किन बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है? तो 12 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है, जहां पे 12 बैल लगाए जाते थे। सभी के आंसर नीचे दिए हुए हैं, ठीक है ना। धातु अयस्कों के लिए आर्यों द्वारा की गई खोज के सबूत हमें लगभग डैस ईसा पूर्व के तांबे की बर्छियां और अर्ध मानव मूर्तियों के रूप में मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे ईसा पूर्व बताना है, तो 1000 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। आर्यों ने देश भर में लोहे की नई जमावटों की खोज आरंभ कर दी। इस खोज में वे लगभग 150 वर्ष ईसा पूर्व तक उन इलाकों में जा पहुंचे जो वर्तमान आंध्र और कर्नाटक में हैं। मैंने पहले कहा कि इसमें ईयर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आप हड़प्पा और पाषाण मध्ययुगीन काल लौह और कांस्य युग पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके लिए ईयर्स वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 200 से 100 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है। सभी के आंसर नीचे दिए हुए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन इसी तरह से कि पूरे उत्तर पथ से विद्यार्थी विषय विशेष के प्रशिक्षण के लिए डैश जैसा विद्या केंद्रों की ओर आने लगे थे। तो देखिए तक्षशिला, ठीक है, जो पूरे उत्तर पथ से विद्यार्थी विषय विशेष के प्रशिक्षण के लिए तक्षशिला जैसे यानी किस विद्या केंद्र की ओर आने लगे थे, तो वो हो जाएगा तक्षशिला विद्या केंद्रों की ओर आने लगे थे। तो यहाँ पे आपका नालंदा, विक्रमादित्य, तक्षशिला, इस तरह के उज्जैन, इस तरह के यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको एक राइट सेलेक्ट करना होगा, तक्षशिला। व्याकरणचार्य पाणिनि डैश के आसपास तक्षशिला में अध्ययन करते थे, यानी जो व्याकरणचार्य पाणिनि है वो किस तक्षशिला में अध्ययन करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4थी शताब्दी के आसपास तक्षशिला में अध्ययन करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। ईसा पूर्व शताब्दी ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में ऐसे डैश जनपद थे, इन राज्यों की आय के स्रोत कृषि और व्यापार थे। तो आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में वो कौन से जनपद थे जो आय के जिनके आय के स्रोत कृषि और व्यापार थे? तो यहाँ पे आपको जनपद बताना है, ठीक है ना। 7वीं शताब्दी तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए बता दिया, लेकिन थोड़ा सा माइंड में इसको रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनपद थे। कितने जनपद थे? तो 16 जनपद थे 7वीं शताब्दी में, जिनके मुख्य स्रोत जो होते थे आय के वो कृषि और व्यापार हुआ करते थे। शुल्ब सूत्र से डैस का काफी उच्च स्तरीय ज्ञान लक्षित होता है। मैंने पहले कहा है शुल्ब सूत्र में किसका वर्णन किया गया है? तो शुल्ब सूत्र में जो है वो ज्यामिति का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जो शुल्ब सूत्र है इसमें ज्यामिति का काफी उच्च स्तरीय ज्ञान लक्षित होता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ भी लिया। वनस्पति शास्त्र पर व्यवस्थित अध्ययन पराशर के बृहद ग्रंथ में हुआ, जिसकी रचना लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो हो जाएगा वृक्षा आयुर्वेद, यानी वनस्पति शास्त्र पर व्यवस्थित अध्ययन पराशर के किस बृहद ग्रंथ पर हुआ? तो वो हो जाएगा आपका वृक्षा यजुर्वेद, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, 10 हो जाएगा कि घोड़ों और हाथियों को पालतू बनाने और युद्धों में उनके उपयोग आरंभ हो गया था, उस समय डैश से भी अधिक जातियों के जंतुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध थी। तो यहाँ पे आपको बताना है संख्या कि घोड़े और हाथियों को पालतू बनाने और युद्धों में उनके उपयोग आरंभ हो गया था, तो कितनी जातियों और जंतुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध थी उस समय? ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 260 से अधिक जातियों और जंतुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध
उपलब्ध थी उस समय। ओके, पतंजलि डैश में चिकित्सा विज्ञान पढ़ाते थे, तो देखिए यहाँ पे पतंजलि कहाँ चिकित्सा विज्ञान पढ़ाते थे, किस शिला में, किस जगह पे, तो वो हो जाएगा तक्षशिला में चिकित्सा विज्ञान पढ़ाते थे। एक चीज और भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिकित्सा विज्ञान कौन पढ़ाते थे, तो पतंजलि। ठीक है, कौन? पतंजलि। ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। पतंजलि ने तथा उसके बाद अनेक विद्वानों ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के मुख्य ग्रंथ दैस पर टीकाएं लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है और इसको दो तरह से पूछा जा सकता है कि पतंजलि ने और उसके बाद के जो भारतीय विद्वान है उन्होंने किस ग्रंथ पे टीकाएं लिखी थी, तो वो हो जाएगा चरक संहिता पर। ठीक है ना, और चरक संहिता किसने लिखी थी, तो पतंजलि ने लिखी थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है चरक संहिता पे। चरक संहिता जो है उसके राइटर कौन है, तो उसके जनक कौन है, तो उन्होंने किसने लिखी, पतंजलि ने लिखी थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ रहा है। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो हम ऑलरेडी आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत अर्थात ब्रह्मांड पृथ्वी और जीवधारियों के जन्म से संबंधित डैश की धारणा की झलक आयुर्वेद में भी मिलती है, तो यहां पे और किस सिद्धांत की झलक आयुर्वेद में मिलती है, क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत अर्थात ब्रह्मांड पृथ्वी और जीवधारियों के जन्म से संबंधित सिद्धांत है, उसकी झलक यजुर्वेद में भी मिलती है, तो यजुर्वेद की धारणा किस में मिलती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र में, यानी ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत अर्थात ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत क्या है, जहाँ पे ब्रह्मांड पृथ्वी और जीवधारियों की उत्पत्ति हो ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत में क्या क्या शामिल है, तो ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत में ब्रह्मांड पृथ्वी और जीवधारी शामिल है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, इसीलिए हम इनको डिटेल में आपको समझा भी रहे हैं। तो जिसकी धारणा की झलक जो है आयुर्वेद में भी मिलती है, तो वो हो जाएगा दर्शन शास्त्र की जो धारणा है उसकी झलक आयुर्वेद में भी मिलती है। ओके, चलिए, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वात पित्त और डैश सभी जीवित प्राणियों में विद्यमान होते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वात पित्त और क्या चीजें सभी जीव प्राणियों में विद्यमान होते हैं, तो कफ। ठीक है ना, क्योंकि त्रिदोष बात और पित्त आ जाता है तो उसमें कफ भी आ जाएगा, क्योंकि बात पित्त के साथ में कफ होता है। ठीक है, ईसा पूर्व शताब्दी की आरंभिक यूनानी दार्शनिक जैसे और ने देवताओं की मदद के बिना विश्व उत्पत्ति की कल्पना की थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी के जो आरंभिक यूनानी दार्शनिक थे वो कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने देवताओं की मदद के बिना विश्व उत्पत्ति की कल्पना की थी, तो यहाँ पे आपको नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे थेरेस, एम्पेडोक्सलीन और पाइथागोरस ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विश्व की उत्पत्ति की कल्पना देवताओं की मदद के बिना ही समझी थी। ठीक है ना, तो तीन यहां पे वैज्ञानिक है। ठीक है, थेरेस, एम्पेडोक्सलीन और पाइथागोरस। डैश ईसा पूर्व चौथी शताब्दी एक अग्रज यूनानी दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने विज्ञान के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि एक अग्रज यूनानी दर्शन शास्त्री जिन्हें विज्ञान के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया वो कौन थे, तो वो आपके थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है ना, वो यूनानी थे और दर्शन शास्त्री भी थे, तो एक अग्रज यूनानी दर्शन शास्त्री कौन थे, तो वो अरस्तु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। पूर्ण आकारों अनुपातों को दर्शाने की आवश्यकता ने डैश ईसा और कियोस के हिप्पोक्रेटिस, जो हिप्पोक्रेटिस था वो लगभग 450 वर्ष ईसा पूर्व पहले था, को ज्यामिति करने के लिए प्रेरित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस ने किया। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और आप कहेंगे आंसर, तो आंसर भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आंसर की हम बात करते हैं, आप क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, गणित के पूर्व ज्ञान के बड़े अंश को एकत्रित करके डैश ने स्वयं सिद्धियों के निगमन के आधार पर ज्यामिति की नींव डाली जो आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्यूलिड, जो क्यूलिड है इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ता है मैथ के लिए, तो गणित के जो पूर्व ज्ञान के बड़े अंश थे उनको एकत्रित करना और स्वयं सिद्धियों के निगमन के आधार पर ज्यामिति की नींव डाला था वो क्यूलिड ने डाला था। ठीक है, तो निगमन के आधार पर ज्यामिति की नींव किसने डाली थी, तो क्यूलिड ने डाली थी। जैसे और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, अरबी और मध्ययुगीन चिकित्सा विज्ञान के संस्थापक थे और इस क्षेत्र में उनका उतना ही सम्मान था जितना अरस्तु का था, तो वो कौन था आपको यहाँ पे बताना है, तो देखिए गलेन अरबी और मध्ययुगीन चिकित्सा विज्ञान के संस्थापक थे। तो मैं वही कह रही हूँ कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं
सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। डैश भारत का सबसे पुराना दर्शन शास्त्र है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे पुराना दर्शन शास्त्र कौन सा है, तो देखिए भारत का सबसे पुराना जो दर्शन शास्त्र है वो सांख्य दर्शन शास्त्र है। क्या है? सांख्य दर्शन शास्त्र सबसे पुराना दर्शन शास्त्र है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। भारतीय वैशेषिक पद्धति में जिसके प्रतिपादक प्रसिद्ध विद्वान थे, लघुतम कणों को आकारहीन गणितीय बिंदु मानते थे। एक यहाँ पे आपको हिंट भी यहाँ पे दिया गया है कि लघुतम कणों को वो आकारहीन गणितीय बिंदु मानते थे। उन विद्वान का यहाँ पे नाम बताना है जो भारतीय वैशेषिक पद्धति, यानी भारतीय थे वो, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कणाद थे। देखिए कणाद और कण थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ऐसे ही जो आंसर है वो याद किए जाते हैं, कणाद थे, ठीक है, जो लघुत्तम कणों को, तो कण से याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और ये देख लीजिएगा, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अच्छे जलवायु और बढ़ती हुई स्वास्थ्य आबादी वाला कृषि प्रधान देश कौन था? तो इटली था, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अच्छे जलवायु और बढ़ती हुई स्वास्थ्य आबादी वाला कृषि प्रधान देश कौन सा था? तो इटली था। देखिए यहाँ पे आंसर पूरे दिए हुए, जो मैं आपको बार बार कह रही थी कि आंसर नीचे दिए हुए हैं, तो एक नंबर से लेकर के सभी के जो आंसर यहाँ पे हैं वो दिए हुए हैं। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा यहाँ पे सभी आंसर दिए हुए हैं, क्योंकि सभी फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जो आपके एमसीक्यू आएंगे ऐसे ही आएंगे। जैसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भारत में मोटे तौर पर ईसा पूर्व, यानी अब कितने ईसा पूर्व से आरंभ होकर लगभग डैश तक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का युग था, ठीक है, तो आपको युग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि भारत में मोटे तौर पर ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से आरंभ होकर लगभग 11वीं शताब्दी तक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का युग था। तो महत्वपूर्ण उपलब्धियों का एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि भारत में जो है विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का युग कौन सा था? तो या तो जैसे यहाँ पे आंसर दिया हो तो दोनों ऑप्शन को, दो ऑप्शन साथ में रखेगा, चौथी शताब्दी से 11वीं शताब्दी, तीसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी, 5वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी, इस तरह के ऑप्शन रख देगा, ठीक है। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महामात द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य एक ऐसा शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य था जो न केवल उद्योग का मुख्य स्वामी होता था बल्कि वस्तुओं का भी सबसे अधिक उत्पादन करता था। तो महामात कौन थे जिनके द्वारा रचित, देखिए अब यहाँ पे भी आंसर, अगर आप आंसर नहीं याद कर पाते तो इसी में आंसर छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो रचित अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है, ठीक है ना। कौटिल्य ने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की थी। तो उन्होंने कहा था कि महामात्र जो कौटिल्य है उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य का शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य था जो न केवल उद्योग का मुख्य स्वामी होता था बल्कि वस्तुओं का भी सबसे अधिक उत्पादन करता था। इससे देखिए तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, एक आपका ये क्वेश्चन बन ही रहा है, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र है। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है, तो कौटिल्य है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन आपका बन जाएगा साम्राज्य का नाम पूछ लेगा कि एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य या केंद्रीकृत राज्य जो न केवल उद्योगों का मुख्य स्वामी होता था बल्कि वस्तुओं का भी सबसे अधिक उत्पादन करता था, तो वो मौर्य साम्राज्य कहलाएगा। तो इस तरह की चीजें आपको अपने दिमाग पे माइंड पे रखनी होंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि महान बौद्ध मठ था, अब यहाँ पे नाम बताना है उसका कि एक वह महान बौद्ध मठ था और एक ऐसा मंच था जहां विभिन्न विद्वान लगातार मिलते रहते थे और औषधि शास्त्र, खगोल विज्ञान, मानविकी तथा धर्म शास्त्रों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नालंदा, ठीक है। क्या हो जाएगा? नालंदा महान बौद्ध मठ था, या फिर महान बौद्ध मठ क्या था प्राचीन काल में, तो नालंदा था। दो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कारीगरों की तरह व्यापारियों की संस्थाएं भी अस्तित्व में आई जिन्हें कहा जाता है, तो उन संस्थाओं को क्या कहा जाता है? उन्हें श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश तथा अन्य लोगों द्वारा लिखित स्थानांग सूत्र जो 100 वर्ष ईसा पूर्व थे, ठीक है ना, और सूर प्रज्ञापति भद्रबाहवी संहिता 300 ईसा पूर्व तथा क्षेत्र समास जो है 156 ईस्वी में क्षेत्र मित करणी भिन्न जो क्रम चय और संचय ज्यामिति घातांक नियम और संख्याओं के वर्गीकरण आदि का विस्तार से विवरण दिया गया है, कहाँ दिया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उमास्वात में, उमास्वात में इन सभी चीजों का जो है वर्णन दिया गया है, ठीक है ना। ज्यामिति घातांक नियम ये सभी चीजें संख्याओं का वर्गीकरण उमास्वात में किया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पे है कि डैश ईसा पूर्व पहली शताब्दी में जैनी जो मूलभूत वर्गों में से एक बार में एक यानी एकांक संयोग जिसे कहते थे, एक बार में दो द्विक संयोग जिसे कहते हैं, एक बार में तीन त्रिक संयोग कहते हैं, अथवा एक बार में बहुत सी संख्याएं लेकर संचय की संभावित संख्याओं के बारे में अनुमान लगाते थे, तो वो कौन थे? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में जो जैनी लोग थे इस तरह संख्याओं का जो है अनुमान लगाते थे। तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपसे, उसमें पूछ सकता है कि एक बार में एक संख्या को क्या कहते थे? एकांक संयोग। एक बार में दो जो संयोग होते थे, वर्ग होते थे, उनको द्विक संयोग कहते हैं, एक बार में तीन को त्रिक संयोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि डैश की एक पृथक शाखा के रूप में बीजगणित का उदय हुआ, किसके एक पृथक शाखा के रूप में बीजगणित का हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित शास्त्र की एक पृथक शाखा के रूप में बीजगणित का उदय हुआ, यानी जो बीजगणित है वो किससे निकला हुआ है? गणित से निकला हुआ है। तो गणित शाखा की एक पृथक शाखा बीजगणित है ना। ठीक है, ब्राह्मी पद्धत में डैश की संख्याएं लिखी जाती थी, तो ब्राह्मी पद्धत में कितनी कितने की संख्याएं लिखी जाती थी? तो 20,000 तक की संख्याएं लिखी जाती थी। शून्य दशमलव प्रणाली का सबसे पहले उल्लेख हमें एक लेख में 595 ईसा में मिला, और इसके बाद ग्वालियर, महिपाल, बौक आदि के अन्य शिलालेख में पाते हैं, तो किसके लेख में हमें एक बताना है? तो देखिए, इसका जो 9 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुर्जर अनुदान पत्र, यानी कि दशमलव शून्य प्रणाली का सबसे पहला उल्लेख हमें एक गुर्जर अनुदान पत्र लेख में पता चलता है, मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति तालिकाएं बनाने का श्रेय को कहा जाता है, त्रिकोणमिति तालिकाएं बनाने का श्रेय किनको कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है, वो भारतीय थे, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट के बाद डैश आए, जो जन्म 505 ईस्वी में, उन्होंने अपने ग्रंथ बृहत् संहिता में आर्यभट्ट एवं उससे पहले के खगोल विज्ञान संबंधी निष्कर्षों को संकलित किया। इसका आंसर जो है 11 का वो हो जाएगा बराह मिहिर का। ठीक है ना, आर्यभट्ट के बाद आए थे वो कौन थे? गणितज्ञ खगोल शास्त्री, वो थे बराह मिहिर। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ब्रिटिश शासनाध्यक्ष ने, ये जो है आपकी यूनिट 4, 5, 6, 7 की है, ठीक है ना, तो ब्रिटिश शासनाध्यक्ष ने डैश में विधिवत रूप से भारत का प्रशासन संभाला था 1858 में। ठीक है ना, 1878 में तीन सर्वेक्षण शाखाओं त्रिकोणमिति, डैश तथा राजस्व शाखाओं का परस्पर विलय कर दिया गया। शाखा यहाँ पे आपको बताना है, तो 1878 में तीन सर्वेक्षण शाखाएं थी, जिनमें पहली त्रिकोणमिति थी, ठीक है, दूसरी स्थलाकृति थी, और तीसरी राजस्व शाखाएं थी, जिनका परस्पर विलय कर दिया गया। तो 1878 ईस्वी में तीन सर्वेक्षण शाखाओं का विलय कर दिया गया, वो कौन कौन सी है? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उसमें त्रिकोणमिति, राजस्व और स्थलाकृति, ये ऑप्शन में आपके रहेंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। डैश में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई, तो 1851 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना लगभग डैश के पैटर्न पर हुई। तो देखिए यहाँ पे 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पे हुई थी, क्योंकि भारत अधीन था, तो यहाँ पे लंदन के पैटर्न के आधार पर इनकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न के आधार पर 1857 में भारत में किन कॉलेजों की स्थापना की गई थी? तो बंबई, मद्रास और कलकत्ता की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ओके, 1875 में डैश ने मैट्रिक के अगले छात्रों की परीक्षा ब्रिटिश इतिहास में लेने के बजाय भूगोल और प्रारंभिक भौतिकी में लेने का निर्णय लिया था, किसने लिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास विश्वविद्यालय ने, यानी 1875 में मद्रास विश्वविद्यालय ने मैट्रिक के अपने छात्रों की जो परीक्षा है ब्रिटिश इतिहास में न लेके भूगोल और प्रारंभिक भौतिक में लेने का निर्णय लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 1864 में सैयद खान ने डैश की स्थापना की थी। देखिए 1864 में सैयद खान ने अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है ना, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सैयद खान ने की थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। 1876 में डैश ने सोसाइटी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। देखिए एम एल सरकार ने की थी, किसने? एम एल सरकार ने 1876 में की थी।
एसोसिएशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन ऑफ इंडियंस की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो 1904 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपके हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम डैश का लाभ उठाते हुए सर आशुतोष मुखर्जी ने इस दिशा में पहल करते हुए कलकत्ता में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस की स्थापना की थी, 1930 में की थी। यानी कि ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये चीज याद रखनी है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस की स्थापना कब की गई थी, तो 1930 में की गई थी। कहाँ है ये, तो कलकत्ता में है। इसी तरह से यहाँ पे जो ये नाम दिए हुए, इनकी स्थापना कब की गई थी, तो 1904 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपके हैं, आपको बस इनको अपने माइंड में फिट कर लेना है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अधिनियम डैश का लाभ उठाते हुए सर आशुतोष मुखर्जी ने इस दिशा में पहल करते हुए कलकत्ता में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस की स्थापना की थी, तो 1904 में। जो सीवी रमन है, उन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन पर अनुसंधान किया, जिसके कारण बाद में डैश का उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1930 में हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1930 में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इससे क्रिएट होता है कि प्रकाश प्रकीर्णन पर अनुसंधान किसने किया था, डॉक्टर सीवी रमन ने किया था, ठीक है ना। या सीवी रमन ने किसकी खोज की, तो प्रकाश प्रकीर्णन पर खोज किया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपली आपको इनको देखना होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का जन्म दिया, किसने जन्म दिया, तो 1914 में इनका इसका जन्म हुआ है, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का। और डैश वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में, ठीक है ना। 1942 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। एक थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हालांकि इसके आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा कि संसार भर के देश एक साल भर में कुल मिलाकर शस्त्रों पर 1,00,000 करोड़ रुपए व्यय करते हैं, और गरीब विकासशील देश इस राज का कोई डैश व्यय करते हैं, जिससे अधिकांश विकसित देशों की कंपनियों से हथियार खरीदने पर व्यय होता है। तो यहाँ पे आपको राशि बतानी है, तो ये हो जाएगा 20% भाग, यानी कि गरीब विकासशील देश इस राज का कोई 20% भाग व्यय करते हैं हथियारों पे। ओके फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका स्नातक उपाधि कार्यक्रम दिसंबर 2019 का है, जो कि अभी आपका एग्जाम हुआ है FST 01 का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम। ये पेपर आपका 100 नंबर का होता है, समय 3 घंटे का, क्योंकि इस साल से जो है OMR सीट पे आपका ये एग्जाम होता है, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन, और हम आपको इनके आंसर बताएंगे। जिस आंसर में मैं श्योर हूँ मैं उसे 100% बताऊंगी कि मैं श्योर हूँ, लेकिन जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ मैं बोलूँगी आई एम नॉट श्योर। तो एक पासिंग मार्क्स तो आपका निकल के आ ही जाएगा, 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन। अगर मैं 50 या 40 के भी आंसर बता देती हूँ तो बड़े आराम से आप पासिंग मार्क्स इसमें निकाल सकते हैं। और यदि जिसका आंसर हमें नहीं पता है तो प्लीज़ आप बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसके आंसर आपके FST 01 के। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि काल डैश काल में उच्च केंद्रीकृत राज शक्ति में अपेक्षाकृत अधिक लचीले और स्थानीय किस्म के प्रशासन की शुरुआत की गई थी, किस काल में। अब मुझे लगता है आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि राइट आंसर इसका उपयुक्त तो दोनों होना चाहिए, क्योंकि मौर्य काल और जो गुप्त काल है, दोनों काल में जो राज्य शक्ति थी वो उच्च केंद्रीकृत थी, राज्य शक्ति उच्च केंद्रीकृत थी, इसलिए मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है वो थर्ड होना चाहिए। अगला देख लेते हैं कुबड़हीन, आप लोग कमेंट्स करिएगा जिसका आंसर आपको पता है। कुबड़हीन यानी जो पालतू पशु होते थे उनकी अभिव्यक्ति वाली मुहर वाला काल कौन सा था, यानी पालतू पशुओं की अभिव्यक्ति वाली। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि शायद ये जो है हड़प्पा काल इसका होना चाहिए। आप आंसर कर कमेंट्स करके आंसर जरूर बताइएगा इनके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आर एवं डी यानी कि राष्ट्रीय जो आपका नेशनल शोध यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान की प्रयोगशालाओं से प्रौद्योगिकी को क्षेत्र में अंतरित करने को सुगम बनाने के लिए किसका गठन किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, ठीक है। आप जब आंसर में श्योर हो कि आपको आंसर बिल्कुल सही पता है तभी आप कमेंट्स करें, कंफ्यूज करने के लिए नहीं, कि जिन लोगों को नहीं पता है और आप कमेंट्स कर दें और मैंने कुछ जो बताया है उसके अगेंस्ट आप कमेंट्स करें तो वो भी कंफ्यूज होंगे। अक्टूबर से मार्च तक बोई जाने वाली फसलें हैं, अक्टूबर से मार्च तक बोई जाने वाली फसलें कौन सी कहलाती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। ओके, इसमें मैं बिल्कुल श्योर हूँ। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने जल वैद्युत जनन के क्षेत्र में भारत से प्रौद्योगिकी अंतरित की थी,
इससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बिकॉज नेपाल के साथ में और अफगानिस्तान के साथ में तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। कौन सा विटामिन नसों के सुचारू रूप से काम करने के लिए अनिवार्य माना जाता है? आपको यहाँ पे विटामिन्स के नेम बताने हैं। देखिए, विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये नसों को सुचारू रूप से चलने के लिए, नर्व सिस्टम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो खोई यानी बैगेज होता है, इसका इस्तेमाल किसके निर्माण में एक कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है? खोई यानी बैगेज का इस्तेमाल, तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सीमेंट। ओके, चलिए, आलू का प्रवर्धन किया जाता है, आलू का प्रवर्धन जो है वो सीड ट्यूबर से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोन चारकोल या सक्रिय कार्बन का प्रयोग किसे फीका करने के लिए किया जाता है? तो चीनी को। ओके, राइट आंसर। हमारे देश के कौन से क्षेत्र शुष्क हैं? शुष्क का मतलब जहाँ पे सूखा हुआ क्षेत्र है, पानी बहुत कम है। देखिए, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात जो ये क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत में पहले परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ हुई थी? पहले परमाणु रिएक्टर की स्थापना देखिए तो वो पोखरण में हुई थी। ठीक है ना, कहाँ हुई थी? पोखरण में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा फलीदार पौधे के लिए जो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग पादप कहा जाता है। ठीक है ना, जो फली वाले पौधे होते हैं उनके लिए। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य के बाल जितनी पतली कांच की तारों से प्रकाश की तरंगों को प्रसारित करने की तकनीक क्या कहलाती है? मनुष्य के बाल जितनी पतली कांच की तारों से प्रकाश की तरंगों को प्रसारित करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अनाज और बाजरे में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? देखिए, तो अनाज और बाजरे में देखिए ये ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अनाज की भी बात चल रही है, अनाज में सभी चीज़ें चावल गेहूं दाल आ जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन। लौह तत्व जो है वो बाजरे में पाया जाता है, दाल में विटामिन्स पाया जाता है। ठीक है ना, और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के चावल में है ना, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन पाए जाते हैं। लिक्विड क्रिस्टल का सामान्य तौर पर प्रयोग किसके डिस्प्ले पैनल के रूप में किया जाता है? लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल का जो उपयोग है इन तीनों में किया जाता है। ओके, यहाँ पे 4 नंबर में ऑप्शन आपका 2 एंड 3 दिया, यानी कि घड़ी और कैलकुलेटर्स दिया है, जबकि लिक्विड क्रिस्टल जो होता है, द्रव क्रिस्टल, वो इन तीनों में, यानी कि जो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसमें, टेलीविजन में, घड़ियों में, कैलकुलेटर्स, इन सभी में किया जाता है। तो अब यहाँ पे टेलीविजन तो नहीं दिया है इस ऑप्शन में, तो अगर इसकी हम बात मानते हैं, सॉरी, अगर हम इसकी बात मानते हैं तो फिर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, घड़ी और कैलकुलेटर का। हालांकि टेलीविजन में भी लिक्विड का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड डिस्प्ले का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंवला, अमरूद, पपीता, खट्टे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां किसके मुख्य स्रोत हैं? तो देखिए, आंवला, अमरूद और ये खट्टे फल जो है वो विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है ना, लेकिन पपीता और हरेदार सब्जियां जो हैं इनमें भी विटामिन सी पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेल के खोजबीन के लिए उत्तरदायी यानी भारत सरकार का उद्यम कौन सा है? तो देखिए, ONGC, ONGC जो है वो भारत सरकार का एक उद्यम, यानी तेल की खोजबीन के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ONGC। ठीक है, किसे सनसाइड विटामिन कहा जाता है? सनसाइड विटामिन यानी विटामिन डी जो सूर्य की रोशनी से लिया जाता है, उसे सनसाइड विटामिन कहा जाता है। ठीक है, सनसाइन विटामिन डी हो गया। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथ में सूजन होना अर्थात इस दशा को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथ में सूजन हो जाता है गले में, उसे ग्वाइटर यानी घेंघा रोग कहते हैं, जो कैल्शियम की कमी, सॉरी, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगियों को कौन सी औषध दी जाती है? देखिए, यहाँ पे जितनी भी औषधि हैं, आप पेंसिलिन और इंसुलिन तो हो नहीं सकती, इंसुलिन तो डायबिटीज पेशेंट को दी जाती है। यहाँ पे स्ट्रोमाइसिन और सरपासिल, यहाँ पे दो जो हैं मेडिसिन दिख रही हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से सरपासिल होना चाहिए। बिल आप कमेंट्स करके बताइएगा, आई एम नॉट श्योर।
कंट्रोल यूनिट और अंक विज्ञान और तर्क यूनिट यानी ALU संयुक्त रूप से कहलाते हैं। जो कंट्रोल यूनिट और अंक विज्ञान और तर्क यूनिट जो होता है, बिल्कुल सही, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाते हैं। कैनोला का आयात किस देश से किया जाता है? कैनोला का आयात, इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए कैनोला आयात जो है, वो कैनोला मतलब पाम तेल होता है, वो मलेशिया से किया जाता है, ठीक है ना। जो पाम तेल होता है, सबसे ऐसे रिफाइंड ऑयल हम कहते हैं पाम तेल, वो सबसे ज्यादा मलेशिया से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, इसका मेन जो कारण होता है वो प्रोटोजोआ होता है। चेचक की वैक्सीन के खोज करता थे, चेचक के वैक्सीन के यानी स्मॉल जो पॉक्स होता है उसके खोज करता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ओके, सभी जो मैं अब आपको बता रही हूँ, जो डायरेक्ट मैं आंसर बता रही हूँ, वो सभी आपके राइट आंसर हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC शरीर में कहाँ विकसित होती हैं? जो श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे हम WBC के नाम से जानते हैं, शरीर में कहाँ विकसित होती हैं? इसका आंसर आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से थाइमस और बोन मैरो होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा मस्तिष्क में कई किस्म के न्यूरॉन होते हैं। एक ऐसे किस्म का न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्रंथियों को संकेत भेजने में सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? तो देखिए मोटर न्यूरॉन कहलाता है। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है। मध्य मस्तिष्क में क्षति होने से रोगी सदा के लिए निद्रा कोमा की अवस्था में जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अक्सर इसके रंग के कारण रेड मैटर कहा जाता है। मेडुला अग्र मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है और थैलेमस पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। आई एम नॉट श्योर, इसे आप प्लीज देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कथन विज्ञान के इतिहास में सही है, यानी विज्ञान के इतिहास के बारे में सही है? इसके तहत वैज्ञानिक खोज की शोध में प्रश्न पूछने का अभाव होता है, या विज्ञान और समाज की अंतःक्रिया के निरंतर जारी प्रक्रिया की कहानी? उपयुक्त दोनों और उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विज्ञान और समाज की अंतःक्रिया की निरंतर जारी प्रक्रिया की कहानी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की विधि के बारे में सही है? देखिए ऐसी विधि एवं व्यवहार जिसका अनुसरण संगठित तरीके से सम्मिलित लोगों द्वारा किया जाता है और यह बहुत ही सक्रियाओं मानसिक एवं अहस्त निर्मित से बना होता है। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन जो है इसके सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑप्टिकल थिरासिस बुक के रचयिता है, आई डोंट नो, इसे आप देख लीजिएगा। भारतीयों ने अक्षांशों की संगणना करने का प्रयास किया था जिसके अनुसार उसका प्राइम शिरोबिंदु से गुजरता था, यानी कि भारतीयों ने जब अक्षांशों की गणना की थी तो उनका जो प्राइम शिरोबिंदु था वो कहाँ से गुजरता था? भारतीयों ने अक्षांशों की संगणना करने का प्रयास किया था जिसके अनुसार उसका प्राइम शिरो बिंदु जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका राइट आंसर उज्जैन होना चाहिए। नेक्स्ट आप कमेंट्स करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन से मत भारत में मुख्य रूप से ग्रोरी विजेताओं के जरिए आए हैं? कौन से मत भारत में मुख्य रूप से ग्रोरी विजेताओं के जरिए आए हैं? मुझे क्वेश्चन भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जिनके आंसर पता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य केंद्रित मॉडल के प्रतिपादक हैं, तो ये बिल्कुल 100% जो हिपरकस है वो सूर्य केंद्रित मॉडल के प्रतिपादक हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो देखिए हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, पहले 9 थे लेकिन अब वो कम करके जो है 8 कर दिए गए हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तारा मंडल के संबंध में सही है? किसी खास पैटर्न का तारा समूह, आकाश गंगा का समूह, गुच्छ या फिर सुपर डस्टर्स यानी तारा मंडल क्या कहलाते हैं, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो किसी खास पैटर्न का जो तारा समूह होता है यानी एक तारों का दिखने वाला समूह जो होता है वो तारा मंडल कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, धूप। तो देखिए राइट आंसर इसका धूप हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं और इन लोगों के लिए जो धूप है, सनलाइट, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डैश सतह के निकट जल परतों में उत्पन्न होते हैं जहाँ धूप होती है, यानी कि सतह के निकट जल परतों में क्या उत्पन्न होते हैं जहाँ धूप होती है? तो देखिए सतह के निकट जल परतों में जो है शैवाल, ये यानी जो काई होती है वो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये समुद्र या फिर नदियों के किनारे जनरली जहाँ पानी भरा होता है वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन इसको जिंदा रहने के लिए सूर्य की जो प्रकाश होता है वो जरूरी होता है। ठीक है ना,
चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वस्तुओं की कृत्रिम मांग किस आधार पर सृजित होती है। वस्तुओं की जो कृत्रिम मांग होती है किस आधार पर सृजित होती है यानी बनाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वस्तु कृत्रिम मांग जो है अनिवार्यता पर ही सृजित होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा मानव, क्योंकि जो मानव होता है कैसे संसाधन है जो विश्व में समान रूप से वितरित है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन से कथन का प्रयोग नव आर्थिक युग को दर्शाने के एक प्रभाव वाक्यांश के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, नव आर्थिक युग को दर्शाने के लिए इसे आप देख लीजिएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन ले लेती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सही अभिव्यक्ति है जो विकासशील देशों के लोगों की प्रबल कामना की द्योतक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन और ज्ञान के भंडार में सभी का बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तो मुझे लगता है नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का द्योतक होना चाहिए। वैज्ञानिक नीति संकल्प भारतीय संसद द्वारा कौन से वर्ष में पारित किया गया था। वैज्ञानिक नीति संकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958 में। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक युग वाला ऊपर जो क्वेश्चन रह गया उसे आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा पुरुषों में एक लैंगिक लक्षण को उभारता है। तो इसका राइट आंसर बी यानी कि 2 हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये लैंगिक लक्षण को उभारता है पुरुषों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के संबंध में सही है। विज्ञान के संबंध में विज्ञान का सच इसके अनुप्रयोग में निहित है। किसी भी समय में किए गए वैज्ञानिक प्रयास पिछले साल की मौजूदगी पर निर्भर करते हैं। विज्ञान उत्पादन में सदैव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी मुझे लगता है कि इसका जो है राइट आंसर वैसे 2 होना चाहिए। किसी भी समय के लिए वैज्ञानिक जो प्रयास किए जाते हैं वो पिछले ज्ञान की मौजूदगी पर जो पिछला प्रयास किया गया प्रयोग किया गया है उसी में आगे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाषाण युग का अंत किसका परिणाम था। तो इसका जो राइट आंसर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हो जाना चाहिए। ठीक है ना, कि जलवायु परिवर्तन आबादी वृद्धि के मद्देनजर जो खाद्य आपूर्ति होती है दोनों इसका राइट आंसर होगा। कमेंट्स क्या है आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। चल धातु किस्म के मुद्रण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीनी लोगों ने किया था। ओके, आत्मनिर्भरता स्वयं में डैश को बढ़ावा देने की स्थित है। तो देखिए आत्मनिर्भरता स्वयं में निर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने की स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड की मूल उत्पत्ति की बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एक साक्ष्य है। ब्रह्मांड का विस्तार, कॉस्मिक पृष्ठभूमि विकिरण और मौलिक तत्वों की प्रचुरता, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं 2, 3, 4 यानी सॉरी 1 और 3, 4 तो 1, 3, 4 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिससे गहरे और पोषक तत्वों से भरपूर किस्म के जल को सतह तक लाया जाता है उसे क्या कहते हैं। जैवदीप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। आवाज के शोर को किससे मापा जाता है। देखिए आवाज के शोर को डेसिमल से मापा जाता है। रक्त में शर्करा के स्तर को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है। शर्करा के स्तर को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है रक्त में, इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक इवान पावलोव, अब इन्होंने ये कहाँ के निवासी थे, क्वेश्चन पूछा गया, देखिए रूस के थे। ओके, बौद्धिक स्तर IQ बुद्धि मापने का एक पैमाना है जिसे आयु के आधार पर समायोजित किया जाता है। IQ समय के साथ बदल सकता है और मुख्यतः किस आधार पर एक दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकते हैं। यानी यहाँ पे ये बताया है कि जो IQ बुद्धि स्तर होता है उसे मापा जा सकता है और ये बदल भी जाता है समय के। तो जो ये IQ होता है वो किस आधार पर जो व्यक्ति होते हैं दिमाग के मामले में एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, पियाजे का ये संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उससे क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसको मिलाना है और इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था, उन्होंने 4 अवस्थाओं में संज्ञानात्मक अवस्था को बांटा है। संवेदी प्रेरक अवस्था जो है ये हो जाएगी आपकी पहली अवस्था जो 2 वर्ष तक की होगी। फिर इसके बाद आ जाएगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, कहीं कहीं पे 4 वर्ष भी आपको मिलेगा लेकिन जनरली 2 से 7 वर्ष ही होता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष हो जाएगा और औपचारिक सक्रिय अवस्था लास्ट अवस्था होती है 11 से ऊपर के लिए होती है। तो अगर इसको हम मिलान करें तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा IIMC से आशा, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि भारतीय जन संचार संस्थान हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
वर्ष 1983 में इनसेट उपग्रह की शुरुआत कर टेलीविजन सेवाओं के विस्तार में भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब वो आपको बताना है कौन सी उपलब्धि थी। इसका जो राइट आंसर है वो होगा इनसेट A1। देखिए एक्चुअली क्या है कि इनसेट जो 1B है इसका प्रक्षेपण किया गया था 1983 में, लेकिन यहाँ पे टेलीविजन सेवाओं के विस्तार की बात चल रही है, तो इसके जरिए इनसेट A1 जो है इसको पहला उपग्रह था जो कि टेलीविजन के लिए या दूरदर्शन रेडियो प्रसारण के लिए छोड़ा गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनसेट A1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विकासशील देशों की निर्भरता किस वजह से बढ़ने लगी है। इसका आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, बट आप इसका आंसर देख लीजिए और यदि पता है राइट आंसर तो प्लीज कमेंट्स कर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो सिंधु घाटी की मुख्य जो विशेषता थी, आई थिंक उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा, उच्च स्तर का वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान था ही, किसी खास किसकी नगरी योजना भी उन्होंने बनाई थी, ज्यामिति पर का विचारणी ज्ञान भी पहले के टाइम में था। तो जो 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कांस्य युग के पतन का एक कारण, तो मुझे लगता है इसका जो राइट आंसर है दूसरा होना चाहिए कि बहुत से शहर जो हैं वो उदय हुए थे, नगरीकरण हुआ था कांस्य युग में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से शहरों का उदय और पतन होगा। बिल आपका आंसर क्या होगा कमेंट्स करिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, सिडरियस नूनियस अर्थात सितारों का संदेश वाहक के रचयिता कौन है, अब आपको यहाँ पे बताना है। चलिए इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसको जो है मिलाना है आपको सूची 1 से सूची 2 को। देखिए यहाँ पे जो है कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं प्रतिपादन और यहाँ पे प्रतिपादित करने वाले के नाम। देखिए यहाँ पे एक चीज जो है कॉमन ही हम सबको पता है कि चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने जैविक विकास का यानी जीव जीवित का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आप विकास जैविक विकास का सिद्धांत कह सकते हैं। तो 4 का जो है 4 वाला यानी घ ऑप्शन सही है। तो यदि हम ऑप्शन में यहाँ पे देखते हैं तो 4 नंबर पे घ का सिर्फ 1 ही ऑप्शन सही मिल रहा है, तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन सही है। तो 1 का हो जाएगा आपका ग ऑक्सीजन, जो आपका जोसेफ प्रिस्टल है। ठीक है, 2 का जो आपका है वो का हो जाएगा रसायन शास्त्र का तार्किक एवं परिमाणात्मक अध्ययन जॉन डेल्टन का हो जाएगा आपका घ परमाणु संबंधी सिद्धांत दिया था जॉन डेल्टन ने भी। राइट, तो ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मिलान करना है तो इसका जो राइट आंसर वो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, जो आप इसे आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि धरती की विभिन्न परतों को बाह्य से आंतरिक आधार पर ऊपर से नीचे के आधार पर आपको बताना है। तो सबसे बाह्य परत जो होती है वो क्रस्ट होती है, फिर उसके जब नीचे जाएंगे तो मेटल आता है, फिर सबसे नीचे कोर आता है। तो फ्रेंड्स ना खत्म होने वाले संसाधन जो है नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों को विस्तृत श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है जो है पारिस्थितिकी तंत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो परमाणुवी ऊर्जा कहलाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4वीं और 5वीं शताब्दी में भारतीय धातु संबंधी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कांस्य होना चाहिए, आप इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी नीति का अनिवार्य पर्यावरणीय मुद्दा है। पर्यावरणीय मुद्दा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्टों का उपचार। जो अवशिष्ट यानी जो कूड़े कचड़े होते हैं हम लोग जनरली फेंक देते हैं, उनका उपचार होना जरूरी है, उससे पर्यावरण जो है बहुत ज्यादा गंदा होता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन युग्मों का गठन कैसे होता है। लैंगिक प्रजनन युग्मों का गठन कैसे होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा, तो लैंगिक प्रजनन युग्मों का गठन कैसे होता है, तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है दुगनी करके हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले जीव में सम्मिलित है, वायुमंडल में जो पाए जाने वाले जीव है उसमें क्या सम्मिलित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है मेरे ख्याल से पाड़ी पल्वक होना चाहिए। बिल आप इसका जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा यदि आपको क्लियर पता है। तो निम्नलिखित में से कौन से ने समाज ने पहली बार पक्की ईंट का जो है प्रयोग किया था। तो देखिए रोम जो सभ्यता कहलाती है वहां पे पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। चलिए यहाँ पे भी मिलाने के लिए दिया हुआ है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर ये 2 हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, जैसे कि सर सैयद अहमद खान इन्होंने जो अलीगढ़ की स्थापना की थी, फिर जमशेद टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। तो 2 का यहाँ पे मिल रहा है और 4 का जो है गा हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
चलिए कंचनग्राफ तो मुझे मिला नहीं, आप देख लीजिएगा। आगमनात्मक निगमनात्मक विधियों का प्रयोग जो है परिकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जनरली इनका प्रयोग जो है मैथ में किया जाता है, ठीक है। मिलान करना, फिर से यहाँ पे मिलान करने के लिए दे दिया है, इसे तो मुझे पता नहीं है, प्लीज आप इसे देख लीजिएगा। बट अगर मैं कहूँ तो जैविक विकास को यदि हम मान लेते हैं पहली कोशिकाओं का निर्माण, मेरे ख्याल से 4 नंबर हो सकता है। बिल आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कौन सा जैविक विकास का साक्ष्य नहीं है, प्रौद्योगिकी संबंधी साक्ष्य, प्रजातियों के विकास के माध्यम से विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपको बताना है, चार्ल्स डार्विन है, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। डैश एक महत्वपूर्ण संयोजी पदार्थ है, संयोजी पदार्थ कौन सा यहाँ पे आपको बताना है। देखिए यहाँ पे संयोजी पदार्थ की बात चल रही है तो पदार्थ में सिलिका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और यदि आपको इनके आंसर पता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। डैश के इस्तेमाल से समुद्री जल को आसवित किया जाता है, किसके इस्तेमाल से समुद्री जल को आसवित किया जाता है, तो इसके आंसर तो मुझे पता नहीं, आप प्लीज थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम जा रही है तो प्लीज इसका जो आंसर है आप कमेंट्स कर दीजिएगा यदि आपको पता है। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि जीवों और इनके परिवेश के संबंधों से सरोकार रखने वाली जीव विज्ञान की, इसका हो जाएगा कि जीवों और इसके परिवेश के संबंधों से सरोकार रखने वाली जीव विज्ञान की शाखा जो है वो जैव रसायन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मृदा की गुणवत्ता का अम्लीय वर्षा से निम्न हो जाने का मुख्य कारण पीएच में बढ़ोतरी होता है, ठीक है ना। और पानी खींचने वाले पेच किसने बनाया था, पानी खींचने का जो पेच था उसको किसने बनाया था, तो इसका आंसर तो मुझे पता नहीं, प्लीज आपको यदि पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे देखिए खास श्रृंखला को पूरा करना है। ग्रास, ग्रास हॉपर, फिर यहाँ पे डैश आपको जो यहाँ पे टिक लगाना था, स्नेक पिक, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मेढक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, तो देखिए इसका जो राइट आंसर वैज्ञानिक ज्ञान क्या है, तो ये हो जाएगा विषय परक होता है वैज्ञानिक ज्ञान। यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वाड्रेंट किसे मापने का उपकरण है, ठीक है। क्वाड्रेंट जो है उसके द्वारा किसे मापते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरवार क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि सबसे अधिक से सबसे कम उम्र के क्रम में मनुष्यों की विकास प्रवस्थाओं को क्रमबद्ध करना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, मतलब मेल करने के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है इसका जो राइट आंसर है वो आपका जो है वो सेकंड होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले जो है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, फिर होमो लेविनस है, फिर हो जाएगा नियंडरथल, फिर होमो सेपियंस। आई थिंक ये राइट आंसर होना चाहिए। बिल आपने क्या सेलेक्ट किया है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म पौधों से सरोकार रखने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को पूरा वनस्पति, पूरा यानी कि पुराने जो वनस्पति जीवाश्म है, ओके। आर्गन, हीलियम, जो क्राइप्टन आदि हैं ये क्या है, आर्गन, हीलियम, क्राइप्टन। तो फ्रेंड्स आर्गन, हीलियम और जो आपका क्राइप्टन है ये सभी जो है इनर्ट गैसें हैं, मतलब कि अक्रिय गैस है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि विकासशील देशों के प्रति पश्चिमी मीडिया के पक्षपात पर चर्चा बैंडक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में, ओके। तो मीडिया और संचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1, 2 और 4 जो है ये ऑप्शन सही है, 3 जो है वो गलत है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आर्य जनजातियों को गंगा के मैदान में कृषि समुदायों के रूप में स्थापित होने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा, तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आर्य जनजातियों गंगा के मैदान में कृषि समुदाय के रूप में स्थापित होने में लगने वाला समय जो है 250 वर्ष लगा, ओके। तो फ्रेंड्स सौर ऊर्जा के प्रमुख जो प्रोसेसर है मुझे इसका जो आंसर वो बन लग रहा है। बिल जो भी राइट आंसर होगा यदि आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट्स कर दीजिएगा। गुप्त काल से संबंधित नवाचार कौन सा है ये भी मुझे नहीं पता है। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो था और इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 में जो हमने आंसर आपको सॉलिड बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है पेपर को कि जो पेपर है थोड़ा टफ आया था, लेकिन ज्यादा नहीं था, क्योंकि जो मैंने FHT का आपको MCQ जितने भी आपको लेक्चर वीडियो अवेलेबल करवाए हैं इसमें से 100 में से 60 और 570 के समथिंग जो क्वेश्चन है वो आपके इसी बुक से, यदि आप उन लेक्चर वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरे आंसर उसमें मिल जाएंगे और एक ये आइडिया हो जाता है नेक्स्ट जो अभी एग्जाम जिन लोगों का है उन लोगों के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इनमें से मिला लीजिए, अगर 40 क्वेश्चन भी आपके सही जा रहे हैं जो हमने आंसर बताए हैं तो आप बिल्कुल इसमें पास हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए,
नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।